बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें खबर चंदौली से, जहां पर भाकियू टिकैत मंडल प्रवक्ता को हिरासत में लेने से लोग आक्रोश में हैं। दर्जन भर किसान पहुंचे एमपी आवास, एसपी आवास पहुंचे हैं और उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है एसपी को। सीओ बबुरी थाना अध्यक्ष पर षड्यंत्र का आरोप लग रहा है, अगर कार्रवाई हुई तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को पूरी तरीके से तैयार। चंदौली से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर भाकियू टिकैत मंडल प्रवक्ता को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हो रही। दर्जन भर किसान पहुंचे हैं एमपी एसपी आवास और वहां पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। बबुरी थाना अध्यक्ष पर षड्यंत्र का लग रहा आरोप, किसानों के द्वारा आर पार की लड़ाई की बात कही गई है। भाकियू टिकैत मंडल प्रवक्ता को हिरासत में लेने से भाकियू नेता, भाकियू टिकैत कार्यकर्ता गुस्से में है, जहां पर अब दर्जन भर किसान एसपी आवास पहुंचे हैं और उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। सीओ बबुरी थाना अध्यक्ष का षड्यंत्र का आरोप, किसानों के द्वारा कहा गया कि अगर कार्रवाई हुई तो किसानों के द्वारा आर पार की लड़ाई की जाएगी। भाकियू नेता पर कार्रवाई को लेकर किसानों में रोष है, जहां पर दर्जन भर किसान एसपी आवास के बाहर पहुंचे हैं, जहां पर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर कार्रवाई होती है तो किसान लड़ाई लड़ने को पूर्ण रूप से तैयार है। चंदौली से आते खबर पहुंचा रहे, जहां पर भाकियू मंडल प्रवक्ता को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिसको लेकर अब किसानों में रोष है, जहां पर दर्जन भर किसान एसपी आवास के बाहर पहुंचे।